हेलो फ्रेंड, आज हम अपने रसोई में बनाने वाले हैं चावल उड़द दाल का ढोसा और चटनी। तो आप मेरा वीडियो पूरा देखें, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं ढोसा। ढोसा के लिए देखिए, ये एक कटोरी, छोटा कटोरी से उड़द का दाल है, ये देखिए फ्रेंड। और ये चावल है, बासमती चावल है। तो ये दोनों को पानी में फुला लेंगे। देखिए चावल को डाल लेंगे हम, और इसी में हम उड़द को दाल को डाल लेंगे। दोनों को रात पर भिगो के रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड, मैंने अच्छे पानी से, दो तीन पानी से धो लिया है। अब हम पानी डाल के इसको रात भर इसको भीगने के लिए छोड़ देंगे। फिर सुबह हम आपको दिखाएंगे। इसको पेस्ट बना के पीस के रख लेना है फ्रेंड। फिर डोसा इतनी टेस्टी बनती है, क्रिस्पी डोसा। तो आप मेरे वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो पूरा देखें। तो चलिए सुबह मिलते हैं हम। देखिए फ्रेंड, चलिए तो पीस के दिखाते हैं आपको। ये देखिए फ्रेंड हमारा पेस्ट। ये देखिए, तो हम ऐसा ही गोल चाहिए हमें डोसा के लिए। चलिए दूसरा बार चावल डाल के पीस लेते हैं। ये देखिए मैंने पीस लिया है। ये देखिए फिर दूसरा भी मैंने पीस लिया है। ये देखिए फिर सारा घोल मैंने पीस लिया है। और इसको हम 2 घंटे के लिए ढक के छोड़ देंगे। ये देखिए फिर आपका घोल दम ऐसा ही रहना चाहिए, तो ढोसे अच्छे बनते हैं। ये देखिए इसको हम ढक देंगे। फ्रेंड ये देखिए हमारा घोल कितना एकदम अच्छा लग रहा है। तो इसमें हम नमक डाल लेते हैं, आधा स्पून नमक है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड हम आलू का मसाला डोसा बनाने वाले हैं, तो आलू का मसाला हम फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए इसमें हम ऑयल डाल लेंगे। ये देखिए हम आधी स्पून राई डाल रहे हैं, उसी से आधी स्पून जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये प्याज है, हरी मिर्चा है, हम डाल लेंगे। इसमें मटर भी डालेंगे, डोसा बना रहे हैं तो मटर भी डालना है। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर सब मैंने डाल के मिक्स कर दिया है। इसमें हम सांभर मसाला डालेंगे। ये सांभर मसाला है आधी स्पून। इसमें हम नमक डाल दिए हैं, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्चा पाउडर और हल्दी पाउडर सब डाल के मिक्स कर लिया है। हम आलू के मसाले डाल देंगे, आलू डाल देंगे, आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला डोसा का मसाला बना रहे हैं, आलू का सिर्फ पता होना चाहिए। इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। ये चाट मसाला है, ये छोटा चम्मच हम गरम मसाला डाल रहे हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। फिर हमारे मसाले भूज गए, हम धनिया पत्ते डाल देंगे। इसको अच्छे से हिला लेंगे हम। बन गए हमारे आलू के मसाले। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। चलिए हम गैस बंद कर देंगे, आपको डोसा बना के अब दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हम इसमें डोसा बनाएंगे। तो सब पानी डालेंगे,
अच्छे से पोंछ लेंगे कपड़े से। इसमें घोल डालेंगे, अच्छे से फैला लेंगे। ये देखिए फ्रेंड हमारे डोसे, मैंने पूरा डोसा फैला दिया है। ये देखिए फ्रेंड हमारे डोसे कितने अच्छे बने हैं, एकदम पतले बनेंगे। देखिए कागज से इसमें हम मसाला डाल लेंगे। चलिए फ्रेंड हम आपको प्लेटिंग करके दिखाते हैं, हमारे डोसे बन गए हैं।